अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और हमारे साथ हैं देश के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संत बेतरा अशोक जी, जो कि बताएंगे उत्तराखंड में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और क्या कांग्रेस की वापसी हो सकती है या फिर सत्ता बीजेपी के हाथ में जा सकती है, यही बताएंगे। तो संत बेतरा जी, ज्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहले ये बताइए कि जो उत्तराखंड के चुनाव हैं उसमें आप पहले ही ये बता चुके हैं, अक्टूबर में ही बता चुके हैं, एक बार फिर हमारे दर्शकों की तसल्ली के लिए बताइए कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। उत्तराखंड के चुनाव में एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखा जाए, जो मैंने अक्टूबर में आपका प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। बीजेपी को 45 के आसपास सीट्स मिलेंगे, 40 से 45 के बीच में बीजेपी की सीट्स हैं जी। बाकी 15 के आसपास, 15 प्लस जो है आपकी कांग्रेस हैं, बाकी बची हुई अदर्स को हैं जी। तो ये कांग्रेस की जो सीटें आप घटती हुई देख रहे हैं, अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस का वहाँ पे ऐसा कौन सा फैक्टर है या कौन सी ऐसी वजहें हो सकती हैं कि एक जो सत्ताधारी पार्टी है वो एकदम से बिल्कुल पीछे आ जाएगी, क्या वजह आपको लगती है? देखिए, उत्तराखंड की राजनीति में बहुत कुछ उठा पटक हुआ, आपने देखा। पहले विजय बहुगुणा थे, फिर उसके बाद हरीश रावत जी आ गए और उसके बाद कई चीज़ें उठी। दूसरा, अभी करंट में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो आपका वोट बैंक है एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो जो अभी हुआ है, इन्होंने रावत जी ने आपका श्रीनगर में कुछ जी मदरसा वदरसा का जो किया है, तो उसमें पहाड़ की जनता बड़ी इनोसेंट है, वो लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पड़ेगा। दूसरा, डिमोनेटाइजेशन का भी बहुत बड़ा असर आएगा उसमें। मोदी फैक्टर कितना काम करेगा उत्तराखंड में? इस बार के जितने जो चुनाव हैं आपके 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें मोदी फैक्टर ही काम करेगा। रीज़न है कि जनता जो है ना वो क्या देखती है, एक तो देखो राष्ट्रवाद, इतना कट्टर राष्ट्रवादी आपने नहीं देखा होगा। मोदी जी जी जान से जुड़े हैं कि किसी तरीके से हिंदुस्तान का नाम ऊँचा हो, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने, और अपने लिए अपने उनके जो प्रयास हैं बहुत भरसक हैं, उसमें उन्होंने कहीं कमी नहीं है। सबका साथ सबका विकास, स्वच्छ भारत, जो जो भी उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बहुत ही उत्तम है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर विश्व की भी स्थिति को देखते हैं तो उसको देखते हुए राष्ट्रवाद तो अब सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे ऊपर है। और आपका जो युवा है, हमारे पास जो है हिंदुस्तान में 65% से ऊपर जो युवा वर्ग है उनको अब कुछ उम्मीद जग रही है। जो जो डिसीजन हुए हैं, GST वाला हो गया है, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हुआ है, उसमें साफ साफ सी चीज़ है। आप देखिएगा, सिर्फ ऊपर के जो 3% हैं जिनके पास प्लेंटी ऑफ ब्लैक मनी थी, जिसका कोई हिसाब नहीं था, वो लोग परेशान हुए हैं, वही लोग सड़कों के ऊपर छाती पीट रहे थे, बाकी तो सब लोग बेचारे लाइन में लग के अपना चेंज करवा रहे थे। यानी आप, कोई खतरा ही नहीं था। आप मानते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा है ना, देखिए, आदमी की इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं होनी चाहिए। ईस्टर्न देश में कौन सा ऐसा नेता है जो मोदी के समकक्ष खड़ा हो सकता है इंटेग्रिटी के मामले में? आप ये देखिएगा, अगर उनके परिवार को देखते हैं, और हमारे यहाँ नेता का चपरासी भी 5-6 महीने के बाद वो गाड़ी लेके घूमने लगता है, और मोदी जी के परिवार को देख लीजिएगा क्या कर रहे हैं वो बेचारे। तो उन्होंने इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितने साधारण और इतनी बहुत स्वच्छ छवि है मोदी जी की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो तो संत बेतरा जी के अनुसार हम लोग थोड़ा सा कई बार जो है इस डिस्कशन को भटक जाते हैं, तो संत बेतरा जी का कहना है कि उत्तराखंड चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा और यहाँ पर बीजेपी को 45 प्लस सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस की सीटें घट करके 15 से 20 के आसपास सिमट सकती हैं। ये आकलन है संत बेतरा अशोक जी का, जो पहले ही अक्टूबर में ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये कोई आज की भविष्यवाणी नहीं है, आप हमारी पुरानी पोस्ट भी देख लीजिए, तो अक्टूबर में ही हम ये बता चुके हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट उत्तराखंड में मिलने वाली है। और आपका भी यही सवाल था, आपकी यही मांग थी कि उत्तराखंड के चुनाव पर हम विश्लेषण दें, तो अभी ज़्यादा हम विश्लेषण पर नहीं जा सकते क्योंकि चुनाव
होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, तो हम इसमें अपनी कोई प्रतिक्रिया, अपना कोई मत नहीं रखेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये भविष्यवाणी हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। तो अखंड मंथन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।